हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर नूं असीं समझना है तो सब तो पहले सानू ऑसमोसिस का पता होना चाहिए। ऑसमोसिस की है? इट इज़ द फेनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑसमोसिस। ऑसमोसिस की है कि सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट ही पास हो सकता, उहदे विचों सोल्यूट नहीं पास होएगा। रिक्वायरमेंट होएगी सैमी परमीएबल मेम्ब्रेन की। प्योर सॉल्वेंट के ऐड हो रहा, सोल्यूशन हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज ऑसमोसिस। फॉर एग्जाम्पल, असी रॉ मैंगोज जिहड़े कच्चे हुण अचार बनाना वा, रॉ मैंगोज लै रहे हैं, श्रिवल वैन पिकल्ड इन साल्ट वाटर, असी उन्हां ते नमक पा दें तो वह श्रिंक जे हो जाते हैं। वो श्रिंक क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू ऑसमोसिस। हुण ऑसमोसिस नूं होर ज़्यादा क्लीयर समझण लई असीं एक डायग्राम बनाई है। आ वाटर है, आ मेरे कोल एक फनल, थिसल फनल पई हुई है, इहदे विच शुगर सोल्यूशन रख्या होया। इत्थे असीं सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन लगाई हुई है। जदों इनिशियल स्टेज आ उदों कुछ भी अजे ऑसमोसिस नहीं हुई। आफ्टर सम टाइम की होएगा कि इस कपिलरी दे विच वाटर ने फिल होना शुरू हो गया। क्यों होया? बिकॉज वाटर हैगा प्योर सॉल्वेंट ते शुगर सोल्यूशन दी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट होनी है फ्रॉम लोअर टू हायर। वाटर दी कंसंट्रेशन लोअर आ ते शुगर सोल्यूशन दी कंसंट्रेशन हायर आ, इहदे विचों मूवमेंट होंदी जाएगी तो वाटर इहदे विच राइज हुंदा जाएगा, दैट इज़ द ऑसमोसिस। बट रिक्वायरमेंट होएगी इहदे विच सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन दी। सैकेंडली, इस तरह सानू क्वेश्चन बोर्ड जिहड़ा क्वेश्चन इंसर्ट करता कि वट हैपन्स वैन एग प्लेसड इन वाटर एंड इन साल्ट सोल्यूशन। हुण देखो, असी आ एग रख लिया, बीकर लै लिया, ये वाटर रख लिया। हुण तुसीं दोनों चो नोट करना कंसनट्रेशन कि ज़्यादा, वाटर प्योर सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन लो होएगी, एग की कंसनट्रेशन हाई होएगी, तो मूवमेंट होनी एग के बाहर सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन लगी हुई है, इस करके मूवमेंट होनी फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर। लोअर होगी वाटर दी ते हायर होगी एग दी, सारा पानी ये अंदरली साइड से जाना हो जाएगा शुरू, तो एग स्वेल अप हो जाना होना शुरू हो जाएगा, फुलना शुरू हो जाएगा। बट जे मैं साल्ट वाटर विच पा देंगा तो की होएगा? हुण एग दी कंसंट्रेशन होगी लो ते बाहर कंसंट्रेशन हायर, हायर मूवमेंट होनी फ्रॉम लोअर टू हायर, एग दा सारा वाटर निकल जाएगा तो एग श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ये हुण क्वेश्चन नूं तुसीं जिस तरह भी आएगा तुसीं करोगे। नैक्सट आ ऑसमैटिक प्रैशर, मेन टॉपिक जिहड़ा साडा। ऑसमैटिक प्रैशर मे बी डिफाइंड एज द एक्सैस प्रैशर विच मस्ट बी अपलाइड थ्रू ए सोल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इन टू इट थ्रू ए सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। ऑसमैटिक प्रैशर की है कि जो ऑसमोसिस हो रही है, मैं वो उपर इन्ना ज़्यादा प्रैशर एग्जर्ट कर दिया कि जो सॉल्वेंट है ना वो सोल्यूशन च ना जाए, जाना बंद हो जाए, दैट इज़ द ऑसमैटिक प्रैशर। एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाय पाई, पाई के नाम रिप्रेजेंट किया गया। एक क्वेश्चन आएगा एक नंबर से, वट इज ऑसमैटिक प्रैशर इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। द वांट ऑफ ऑब्जर्व दैट फॉर ए डल्यूट सोल्यूशन द ऑसमैटिक प्रैशर इज गिवन एज पाई इक्वल टू सी आर टी। सी इज़ द कंसनट्रेशन, आर इज़ द गैस कॉन्सटेंट एंड टी इज़ द टेंपरेचर है। इफ जे कंडीशनस असी अप्लाई करते हैं बच्चे, फॉर ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेंपरेचर बोथ आर एंड टी कॉन्सटेंट है, तो पाई डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाता सी कंसनट्रेशन दे इक्वल। ऑसमैटिक प्रैशर डिपेंड अपॉन द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, सो इट इज़ ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये मोलर कंसनट्रेशन से डिपेंड कर रहा, नंबर ऑफ मूल्स से डिपेंड कर रहा, सो इट इज़ ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये नाल ही रिलेटेड छोटा जिहा टॉपिक आता है कि डिटरमीनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम द ऑसमैटिक प्रैशर। ऑसमैटिक प्रैशर तो असी डिटरमीनेशन करनी है मोलर मास, तो पाई इक्वल टू हमने पढ़िया असी सी आर टी, तो सी जी कंसनट्रेशन है वह होंगी है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, किन्नी वॉल्यूम के नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के ऐड किए हुए हैं, तो यह हो जाएगा साढ़े को यही वैल्यू सी दी, ये फिल कर दौ एन ओवर वी आर टी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल आप किए कड़ दें बच्चे, वेट ओवर मोलर मास, डबल्यू मीन असी सोल्यूट का वेट लिया ओवर मोलर मास सोल्यूट का लिया, तो पाई इक्वल टू यही वैल्यू फिल करोगे डबल्यू बी आर टी ओवर वी एम बी हो जाएगा। तो एम बी की वैल्यू क्ढनी है,
एम बी इधरली साइड पर आ जाएगा, डबल जो बी आर टी ओवर पाई भी हो जाएगा। फ्राम वेयर एम बी मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, थैंक यू।